अलैकुम क्लास 10th, कैसे हैं आप सब बेटा? ठीक हैं। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 देखने में टफ क्वेश्चन है, लेकिन बेटा आसान क्वेश्चन है। आप देखिए कि 2x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2x का स्क्वायर प्लस 1। तो 2x का स्क्वायर प्लस 1 ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में सेम है, ठीक है जी। अब इसमें स्क्वेयर वाली फिगर ही कोई नहीं है, तो आप सिंपल एक ही चीज़ लेट करेंगे, दोनों सेम चीज़ें आ रही ना, 2x का स्क्वेयर प्लस 1 चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने इसको क्या करना है कि आपने करना है लेट 2x का स्क्वेयर प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू y। अब ये पुट करेंगे तो ये देखें 2x का स्क्वेयर प्लस 1 की जगह y आ जाएगा, प्लस 3 न्यूमिनेटर में ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में 2x का स्क्वेयर प्लस 1 जो था उसकी जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा इज़ इक्वल्स टू 4। आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब आप y आपका बेसिकली डिनोमिनेटर है, तो आप एलसीएम ले लें, बोथ साइड्स पे y से मल्टीप्लाई करवाएं, तो y का स्क्वायर प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 4y बन गया। आप इसको अरेंज कर लेंगे, तो अरेंज करने के बाद y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 0 आ गया। नाउ मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, y कॉमन y माइनस 3, माइनस 1 कॉमन y माइनस 3, तो फैक्टर्स आपके दो बन जाएंगे y माइनस 1 और y माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 0। मुझे बताइए कि y का तो आप बना लेंगे y इज़ इक्वल्स टू 1 और y इज़ इक्वल्स टू 3, बट आपके पास तो क्वेश्चन में y था ही बेटा कुछ नहीं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। आपने y की जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 1 पुट करना है, जो आपने ऑलरेडी 2x का स्क्वायर प्लस 1 पुट किया था, ठीक है जी। तो y इज़ इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस 1 आपने पुट कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे y इज़ इक्वल्स टू 1 था, तो आपने कहा 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 1, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो गया, 2x का स्क्वायर था, 2 उधर जाके डिवाइड हुआ, 0 आ गया। x का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर रूट लें, x 0 हो जाएगा बेटा। देन इधर आएंगे 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 3 आया था यहाँ पे, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। देन 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, x का स्क्वायर 1 आ जाएगा। x का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो x इज़ इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो आपका सोल्यूशन सेट जो बनेगा बेटा, वो आपका बनेगा, ये सोल्यूशन सेट बनेगा माइनस 1, 0 और 1 बनेगा, माइनस 1 नहीं बनेगा, ठीक है बेटा, माइनस 1 नहीं बनेगा, बल्कि ये माइनस 1 थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो आपने 0 और 1 दो आपके सोल्यूशन सेट बन गए हैं। 7th क्वेश्चन पे आ जाएं, तो x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू x ऊपर है x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू y, सेम 7th क्वेश्चन और ऑपोजिट है। आप देखो x ओवर x माइनस 3 इस तरफ है, जबकि उसका पूरा रेसिप्रोकल x माइनस 3 ओवर x दूसरी तरफ है। तो आप लेट करोगे लेट x ओवर x माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू y, पूरे को आप पुट कर लोगे। जब चीज़ बिल्कुल सेम आती है तो हम पूरी की पूरी चीज़ को y के अगेंस्ट पुट करते हैं। तो आप करोगे x ओवर x माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू y। अब क्या हो गया, इक्वेशन में पुट करो, x प्लस x ओवर x माइनस 3 की जगह y आ गया, प्लस ब्रैकेट के बाहर 4 था वही आ गया, और x माइनस 1 ओवर x की जगह 1 ओवर y इज़ इक्वल्स टू 4 हो गया, ठीक है बेटा। नाउ 4 ओवर y यानी कि बनेगा y प्लस 4 ओवर y इज इक्वल्स टू 4। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वेयर्स लेंगे, तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4y, y का स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे बेटा, या फार्मूला ओपन कर लें, दोनों चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे। तो y माइनस 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 आ गया, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2, बट आपके पास y तो था ही बेटा कुछ नहीं, x ओवर x माइनस 3 था, तो आप x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y पुट कर दें, यानी कि x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। x माइनस 3 नीचे डिवाइड उधर जाके क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई 2 के साथ, x की वैल्यू आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। तो इसका फैक्टर ही बेसिकली एक बना है, इसका इस सवाल के दो फैक्टर बने ही नहीं हैं, तो आपका आंसर भी एक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, साथ ही लिखा 4x माइनस 1 ओवर 4x माइनस 1, माइनस 1 ओवर प्लस 1 है, क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ क्वेश्चन, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1,
तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो आप यहाँ पे इजीली अपने क्वेश्चन को लिखोगे, आप 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 को पुट करोगे y के अगेंस्ट। ये देखो, लेट 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल टू y हो गया, तो जो 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 आया था वो 1 ओवर y हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 ओवर 6 हो गया। ठीक है बेटा, अब आप उसी तरीके से इनका एलसीएम लोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, 6y का स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y आ गया। मिड टर्म ब्रेकिंग करोगे, दो फैक्टर्स बनेंगे, दो फैक्टर्स बनने के बाद 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y पुट कर दो। यहाँ पे आप जब आओगे 4x प्लस 1, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको सोल्यूशन भी उतारने में आपको आसानी हो जाए। ये लो इस तरीके से, ठीक है। अब 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 को 4x प्लस 1 से और 2 को 2x माइनस 1 से, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला बन जाता है। और इस तरफ भी यहाँ पे भी आओगे तो पुट y इज इक्वल टू 3 ओवर 2, इधर 3 ओवर 2 था उधर 2 ओवर 3 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक फैक्टर आपका माइनस 5 ओवर 4 आएगा, एक फैक्टर आपका 4 प्लस 5 ओवर 4 आएगा, तो दो फैक्टर बन जाएंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सेम है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 8 करोगे क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे करोगे। अच्छा, आप लोग एक काम कर लो, आप दो क्वेश्चन आज करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 आज करोगे और 7 आज करोगे, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कल करोगे। मैं कल लेक्चर नहीं लूँगा आपका मैथ्स का, यानी कि ये दो क्वेश्चन मैंने आपको आज ही करवा दिए हैं जो आपने कल करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों आपके होमवर्क हैं। अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो मेरे नंबर, मैंने सबको नंबर दिया हुआ बेटा, मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लें। ठीक है बेटा जी, इस वीडियो में भी बोल देता हूँ नंबर 0323-468-2252, प्लीज़ इस पर कॉन्टैक्ट कर लें व्हाट्सएप पे, और अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मुझसे पूछ लिया करें। नहीं बेटा, अल्लाह हाफिज़।